हेलो एवरीवन, वी आर हियर टुडे विद बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस। द कंपनी इज कमिंग अप विद एन एसएमई आईपीओ। इट इज इन अ फिक्स प्राइस इश्यू, इट्स अ फिक्स प्राइस इश्यू एंड इट्स फॉर 8.41 करोड़ एंड इट इज ओपनिंग ऑन 30th August एंड क्लोजेज ऑन 3rd September। द प्रमोटर्स आर मनीष भाई ब्रह्मभट्ट, ही इज प्रेजेंट विथ अस, एंड कमलेश भाई पटेल, ही इज ऑल्सो प्रेजेंट विथ अस। अदर प्रमोटर्स आर केतन ठक्कर, जागृति बेन, ब्रह्मभट्ट, भावनी भाव सॉरी इट इज भाविका बेन ठक्कर, भाविका यस भाविका बेन ठक्कर एंड प्रेम कुमार ब्रह्मभट्ट। सो हाउ आर यू सर? ओके हाय, फाइन, फाइन. ओके। द कंपनी इज बेस्ड इन अहमदाबाद, गुजरात, सो आई होप दैट यू गाइज आर वेल। या थैंक ओके यू. अच्छा मनीष भाई, ये बताइए आपने ये कंपनी कैसे शुरू की? एक्चुअली मैं थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ दे दूं, कंपनी के बारे में दे दूं. एक्चुअली मेरा क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो मेरा ओवरऑल वर्किंग एक्सपीरियंस है 20 इयर्स. तो इतने साल काम करने के बाद 2010 में मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया. और 2010 में मैं, केतन भाई और कमलेश भाई ने साथ में ये कंपनी स्टार्ट किया. और पैकेजिंग मशीनरीज का हमको ग्रोथ अच्छा दिख रहा था और डिमांड भी अच्छा था और हमें उसका नॉलेज भी अच्छा था. हम तीनों पार्टनर्स फिजिक मैकेनिकल इंजीनियर है और हमने सर्विस इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी साल काम किया है. तो वी नो डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब मालूम था. तो हमने मशीन बनाना स्टार्ट किया 2010 से. और फॉर्मली वी आर नोइंग बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड नाउ वी कन्वर्टेड इन लिमिटेड. तो हमारे बिजनेस का कोई ये पैकेजिंग मशीनरीज है, लाइक फिलिंग मशीन, कैपिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, स्लीविंग मशीन्स, ग्रुप पैकिंग, इंडक्शन सीलिंग्स, लाइक दैट. तो हमारे मशीन डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. जैसे कॉस्मेटिक है, बेवरेजेस है, फूड इंडस्ट्रीज है, फार्मा है, डिस्टिलरीज है. तो ये सभी इंडस्ट्रीज में मशीन का यूज होता है. सो वी हैव ए बिग अपॉर्चुनिटी. सेगमेंट बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, सभी सेगमेंट में ये मशीनरी यूज होता है. और आज की डेट में डिमांड और डिमांड भी ज़्यादा है, जैसे मेक इन इंडिया और ये सब करके. तो बेसिकली हमारा स्ट्रेंथ ये है पैकेजिंग मशीनरीज. ओके तो आपका कोर बिजनेस ही ये है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी कहाँ पे है और फिलहाल आपका प्रोडक्शन कितना है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात अहमदाबाद सिटी वटवा जीआईडीसी में है. और हाँ, ओके सर, तो आप बताइए कि ये आईपीओ क्यों ला रहे हैं आप? मैडम, आईपीओ लाने का पर्पस ये है कि अभी जिस तरीके से इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है और जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है, अच्छा अभी तक ऐसा था कि लेबर अवेलेबल थी, अभी लेबर अवेलेबल नहीं है. मीन्स शॉर्टेज अवेलेबल है बट शॉर्टेज है, या तो फिर कॉस्टली हो गई है. तो अभी मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है वो ऑटोमेशन की तरफ में जाना चाह रही है. अभी जो हम लोग मशीनरी बना रहे हैं, टिल लास्ट 2 साल पहले जो बना रहे थे, उसका मशीन का स्पीड होता था अराउंड 40 बॉटल्स अ मिनट और 60 बॉटल अ मिनट. अभी इंडस्ट्रीज को चाहिए ज्यादा स्पीड कि भाई मेरे को एक ही मिनट में वही सेटअप में मेरे को 200 बॉटल पर मिनट जाना है. तो वो करना है तो मशीन थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, हैवी मशीन बनाना पड़ेगा, बिग मशीन बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए जो अभी हमारा जो वर्क जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, सब इन हाउस ही है. बट स्टिल वी वांट टू अपग्रेड अवर सम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. लाइक हम लोग सीएनसी मशीन्स लाना चाहते हैं, लेजर कटिंग मशीन्स लाना चाहते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट वी नीड सम फंड और ग्रो करना है. तो टेक्नोलॉजी ग्रो करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग अभी बहुत सारे लोग जो है वो
मशीन इंपोर्ट करते थे, पहले भी मशीन हाई स्पीड की मिल रही थी, बट इट शुड बी इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप और चाइना। तो अभी आफ्टर आई मीन यू नो पोस्ट कोरोना लोगों को चाइना से भरोसा उठ गया है थोड़ा, तो अभी लोग बोल रहे हैं कि आप ये मशीन हमको इधर बना के दो। तो वो अपॉर्चुनिटी को हम लोग ने कैप्चर करना चाह रहे हैं, और यू नो वो कैप्चर यूनिट उसको हम लोग बिजनेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। डिमांड है, सप्लाई हमको करना है, तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा, और वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए फंड लगता है। तो देर इज द मेन पर्पज ऑफ द आईपीओ। तो बेसिकली आप मशीन बना के बेचना चाहते हैं। यस, राइट ओके नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ मशीन। से फॉर एग्जाम्पल किसी को से फॉर एग्जाम्पल टोमेटो केचप भरना है बॉटल में, सो व्हाट दे विल डू, दे विल प्रोड्यूस टोमेटो केचप बल्क में बनाएंगे, बट उसको बॉटल में भरना है, तो भरने वाली मशीन हमारी रहेगी, उसको ऊपर ढक्कन लगाने वाली मशीन हमारी रहेगी, उसके ऊपर जो लेबल लगता है एस्थेटिक लुक के लिए वो मशीन हमारी रहेगी। सो से फॉर एग्जाम्पल किसी को प्लांट लगाना है केचप का, तो वो बनाने का इट इज प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, तो वी आर नॉट इन टू द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, वी आर इन टू द पैकेजिंग मशीनरीज। तो उसको जो पैकेजिंग लगेगा तो वो पैकेजिंग मशीनरी हमारे से लेगा, और लाइक दैट फिलहाल इट इज। आपके कितने कस्टमर्स हैं? राइट नाउ वी हैव अराउंड यू नो कस्टमर में ऐसा है कि वी हैव रिपीटेटिव बिजनेस, तो हमारे पास जो जुड़े हुए बहुत पुराने जुड़े कस्टमर ही भी है, 10 साल पुराने, 12 साल पुराने कस्टमर भी है, और राइट नाउ वी हैव अराउंड 70 कस्टमर्स इन लिस्ट। पैन इंडिया और इंटरनेशनली भी? पैन इंडिया, पैन इंडिया भी है और इंटरनेशनल भी है, बट एक्सपोर्ट कम है, पैन इंडिया में ज्यादा है। आपके इंडस्ट्री में आपको कितना स्कोप लग रहा है और इंडस्ट्री कितने परसेंटेज से ग्रो कर रही है? इंडस्ट्रीज अप्रोक्स 20% से ग्रो कर रहा है, और अभी लास्ट 2 और 3 ईयर से हमने देखा है कि इंडस्ट्रीज में डिमांड बढ़ रहा है, मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, पॉपुलेशन है, तो ये डिमांड जो अभी बढ़ रहा है उसके हिसाब से ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ भी इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ है और हमारी कंपनी का भी उससे ज़्यादा ग्रोथ है। तो वी वांट टू डेवलप सम अदर मशीन्स जिसका डिमांड है, और अभी जैसा कमलेश भाई ने बताया कि हाई स्पीड मशीन्स का डिमांड है, तो हम लोग वो हाई स्पीड को फोकस कर रहे हैं, हाई स्पीड मशीनरी को। अच्छा, कोई कंपेयर करना चाहे आपकी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ तो किन कंपनियों का नाम लेंगे आप? उसमें अहमदाबाद बेस्ड बहुत सारी सी वटवा मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर हमारे आई मीन जो जो हमारे हमारी तरीके की जो कंपनी है वो अहमदाबाद में ही है। उसमें महर्षि उद्योग करके कंपनी है, भगवती फार्मा मशीन्स करके कोई है, एक पार्ले, बहुत सारे जो है वो बॉम्बे में भी है। ये प्राइवेट लिमिटेड है, लिस्टेड कंपनीज में अगर कोई कंपेयर करना चाहे। लिस्टेड में मोस्ट प्रोबेबली हमारे ध्यान में कोई नहीं है हमारे सेगमेंट में। अच्छा, हाँ, ओके। अच्छा, ये बताइए कि आपका विजन क्या है? मैडम, हमारा विजन है कि जो डिमांड है उसके सामने नंबर ऑफ हमारे बकेट में जितने मशीनरीज है, तो नंबर ऑफ मशीनरीज को बढ़ाना है बकेट में, तो मार्केट में जाके इजीली मार्केटिंग कर सके। हमारा जो ओवरऑल अभी तक का जो जर्नी है, वो जर्नी में हमने जो ब्रांड बनाया है, हमारा हमारा जो नाम है, उसको यूज करके आगे बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं। अभी का जो डिमांड है हाई स्पीड मशीनरी का, जैसे रिसेंटली वी सप्लाई 400 बॉटल्स पर मिनट इन दैट्स अमेजिंग। डिस्टिलरीज। या दैट्स अ ग्रेट यस, नंबर। 400 बॉटल्स पर मिनट का स्पीड है। एग्जिस्टिंग वो मशीन यूरोप का यूज कर रहे थे, उन्होंने हमें कॉल किया, हमने वो मशीन सप्लाई किया और 400 बॉटल्स का मशीन सप्लाई किया। उसके बाद उनका रिपीटेड ऑर्डर आया, और उसके बाद एक और रिपीटेड ऑर्डर है। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं हाई स्पीड मशीनरी में, जैसे अभी मेन पावर का बहुत बेसिक कॉमन इश्यू है मेन पावर का, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके डे बाय डे, जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है तो टेक्नोलॉजी को अपडेट करके ऑटोमाइजन में जाके ह्यूमन एरर कम हो जाएगा,
मतलब इंस्पेक्शन करना है बॉटल, जैसे मतलब पैकेजिंग हो जाता है तो उसका इंस्पेक्शन भी जरूरी है, तो विजन सिस्टम यूज करके कैमरा वगैरह का। हम लोग ये पूरा एक लाइन देना चाहते हैं कि जिसमें कम से कम लेबर का यूज हो और हाई स्पीड मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग करे, ऑटोमेशंस यूज करे, यही हमारा विजन है। The issue is when sorry, the BNRT securities are the market makers. और मनीष जी और कमलेश जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन दी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द इश्यू ओपनिंग. थैंक यू. थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर. वेरी मच. थैंक यू थैंक्स सर. अ लॉट. यस. So we are talking with Prem Kumar ji. He is a second generation promoter. So Prem Kumar ji, please tell us how you will go about marketing and exports. ओके सो आई एम द सेकेंड जनरेशन इन दिस बिजनेस. सो हमारा ये गोल है, एक टारगेट है कि हम जितना भी जितना अभी डोमेस्टिक सेलिंग कर रहे हैं उतना हमें इंटरनेशनल सेलिंग करना है, एक्सपोर्ट करना है. हम B2B पोर्टल से और इंटरनेट की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से हम जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो एग्जीबिशन एग्जीबिशन अटेंड करके और उसमें पार्टिसिपेट करके हमें जो एक्सपोर्ट का बिजनेस एक्सपांड करना है वो हम सब कर सकते हैं. ऐसा हमारा एक विजन और एक कंपनी का एक टारगेट है. ओके, थैंक यू सो मच प्रेम कुमार जी. थैंक यू.